श्री राजीव गांधी भवन में दीप प्रज्वलन का उद्घाटन करेंगे।
अब मैं हमारे चीफ कमर्शियल ऑफिसर डॉक्टर अंकुर गर्ग से अनुरोध करती हूँ कि वे कमेमोरेटिव बोर्डिंग पर माननीय झारखंड हमारे मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मंत्रालय के बहुत ही कर्मठ मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिनके नेतृत्व में नागर विमानन क्षेत्र में काफी परिवर्तन आए हैं। अयोध्या धाम पर लालू सिंह जी, सभी उत्तर प्रदेश के अधिकारीगण जो यहाँ पर मौजूद है, हमारे सचिव माम जी, श्री अंकुर गर्ग एयर इंडिया एक्सप्रेस के सीसीओ और अन्य सभी जो यहाँ पर आए हुए हैं इस आज के प्रोग्राम के अंदर, सबसे पहला तो मैं बधाई देना चाहता हूँ एयर इंडिया एक्सप्रेस को कि आपने अयोध्या धाम के संपर्क को बहुत अच्छा कर दिया है। अब बेंगलोर से अयोध्या और अयोध्या से कलकत्ता की जो फ्लाइट है बहुत अच्छे तरीके से लोगों को अयोध्या धाम तक भी लाएगी और उनको आईटी सिटी बेंगलोर और उसके बाद कलकत्ता, यहाँ पर बहुत लोग व्यापार के लिए भी जाते हैं, उनके लिए भी एक अच्छी सहूलियत हो जाएगी। ये पहल और आगे उत्तर प्रदेश में चलती रहे ताकि उत्तर प्रदेश का जो वायु संपर्क है और बढ़े, उसके लिए जो आपने बताया है उससे मैं आपको खुशी होगी कि और आप अपनी फ्लाइट्स इस इलाके में और बढ़ाएं। इन्हीं के साथ अयोध्या धाम जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आती जा रही है और एयरलाइन है जो कि अपने मार्ग खोलना चाहती है, जितने आएंगे मुझे पूरी आशा है कि अयोध्या धाम का संपर्क उतना अच्छा बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे उत्तर प्रदेश को नई दिशा और बेहतरीन दशा देने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मेरे साथ दिल्ली में उपस्थित मेरे साथी आदरणीय जनरल बीके सिंह साहब, अयोध्या में उपस्थित हमारे बहुत ही लगनशील सांसद आदरणीय लल्लू सिंह जी, हमारे सचिव विभाग के आदरणीय मान साहब, चीफ कमर्शियल ऑफिसर एयर इंडिया के, जिन्होंने बड़े विस्तृत तरीके से एयर इंडिया एक्सप्रेस की पूरी रूट और नेटवर्क की जानकारी उत्तर प्रदेश के एक सीमा से दूसरी सीमा तक हम सबको विस्तृत रूप से दी, अंकुर गर्ग जी, और अयोध्या से जुड़े हुए हमारे सभी जनमान्य नागरिकगण, महानुभवगण, आप सबको मेरा प्रणाम। मेरे साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। आज एक और महत्वपूर्ण दिवस है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, एक एक पल पर, एक दिन पर, एक महीने पर और एक साल
लेकिन एक एक पल पल उत्तर प्रदेश की विकास, आधा यूरोप की आबादी उत्तर प्रदेश में, और भारत की विकास और प्रगति सुनिश्चित करने वाला प्रदेश हमारा ही उत्तर प्रदेश है। आज जैसे जैसे एक एक दिन निकल रहा है, एक दिवाली तो हमने पिछले नवंबर में मनाई थी, मेरे स्वतः के लिए और मेरे प्रदेश की जनता के लिए दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को थी जब चुनाव के नतीजे आए, और पूरे देश के लिए नहीं लेकिन पूरे विश्व के भगवान श्री राम के भक्त और अनुयायियों के लिए तीसरी दिवाली आने वाले 22 तारीख को होने वाली है, जहां 140 करोड़ देश की जनता नहीं लेकिन संपूर्ण विश्व में 800 करोड़ जनता जो पूरे विश्व में है, उस विश्व की 800 करोड़ जनता के जितने राम भक्त हैं देश और विदेश में, इंडोनेशिया से कंबोडिया से लाओस से लेकर यूरोप और अमेरिका में, संपूर्ण एशिया में, अफ्रीका में, उन सब के लिए अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिवस अगर कोई होगा, अस्मरणीय दिवस होगा, तो 22 जनवरी 2024 और ये 500 साल का सपना था, हम सबके कई पीढ़ियों के पहले का सपना कि अयोध्या नरेश भगवान श्री राम की जन्मभूमि में उनका राज्य की राजधानी में उनकी दोबारा प्राण प्रतिष्ठा हो। तो आज संपूर्ण देश, संपूर्ण विश्व प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के पल पल और पग पग की दिनचर्या को फॉलो कर रहे हैं उस 22 तारीख तक, और उसी तारतम्य में योगी जी और हमने संपूर्ण विमानतल का पूर्ण रूप से सर्वेक्षण भी किया 1.5 महीने पहले, 20 दिसंबर को उसका उद्घाटन हुआ, और उस विमानतल का आकार भी अयोध्या में हमने मंदिर के स्वरूप में बनाया। मुख्यमंत्री जी के विशेष आग्रह कि मंदिर के अंदर जो भगवान राम की जीवन की शैली के चित्र बनाए गए, उसमें अलग अलग राज्य के कलाकार और कला की एक आकार अंदर दिखनी चाहिए, अलग अलग कला के आकार दिखते हैं। और उसी दिन एयर इंडिया एक्सप्रेस ने, इंडिगो ने, स्पाइसजेट ने अपनी पहली विमान शुरुआत की। उसी दिन उस विमानतल का नामांकन भी, भगवान श्री राम की जिंदगी के विवरण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में स्थापित होने जा रहा है। 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में स्थापित हो चुके हैं या होने जा रहे हैं, और उसमें से अयोध्या धाम भी एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन चुका है। हमारी यही कोशिश रही है कि इस तारतम्य में जो पहले फेज में 6,500 स्क्वायर मीटर का इमारत टर्मिनल बिल्डिंग मंदिर के आकार में बन चुका है, वहीं अगले फेज में हमारा संयुक्त प्रयास कि अगले फेज में 5,00,000 स्क्वायर फुट का विमानतल की शुरुआत आने वाले दिनों में हम जल्द से जल्द करने वाले हैं। एक सामान्य या प्रमुख शहर नहीं, लेकिन यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि भविष्य में पूरे भारत का सबसे प्रमुख विमानतल
इसका लोकार्पण भी हुआ। जो सुंदर शहर की कल्पना प्रधानमंत्री जी ने की उसका क्रियान्वयन मैंने स्वतः देखा है, जो योगी आदित्यनाथ जी ने किया, चौड़ी चौड़ी सड़कें, सुंदर साइन बोर्ड, लता मंगेशकर का चौराहा है, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि पूर्ण अयोध्या का कायाकल्प करने का कार्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया। और एक राम भक्त होने के नाते उनको मैं धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूं। और उसी सोच के साथ एक विचार आ रहा है कि जहां है राम का नाम वहां पूरे होते हैं सारे काम। अयोध्या धाम को कोलकाता और बेंगलुरु से वायु सेवा से जोड़ने के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में माननीय नागर विमानन मंत्री भारत सरकार श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, विभाग के राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, उत्तर प्रदेश शासन में लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, लोकप्रिय सांसद अयोध्या
श्री लल्लू सिंह जी, सचिव नागर विमानन मंत्रालय भारत सरकार, चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर एयर इंडिया एक्सप्रेस, और लखनऊ में मेरे साथ जुड़े हुए मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन श्री एसपी गोयल जी। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी पर विशेष फोकस करते हुए उसे हर संभव अपना सहयोग प्रदान किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में बेहतरीन परिणाम सामने दिए हैं, और विगत 9-9.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल नए एयरपोर्ट्स आए हैं, बल्कि आज मैं कह सकता हूं कि 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश देश का एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से एक अहम राज्य हो गया है। 30 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण के कार्यक्रम को संपन्न किया, और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के साथ वायु सेवा के उपरांत आज कोलकाता और बेंगलुरु के लिए भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की यह वायु सेवा प्रारंभ होने जा रही है। वास्तव में अयोध्या यह भारत की सनातन आस्था का प्रतीक तो है ही, लेकिन मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि प्रभु श्री राम हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतीक भी हैं। अयोध्या के अंदर 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल का सामना करने के बाद पूरे देश ने अपनी आस्था को अयोध्या के प्रति व्यक्त किया, और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान होंगे अपनी जन्मभूमि पर अपने मूर्त रूप में। स्वाभाविक रूप से पूरे देश के मन में अयोध्या आगमन के लिए एक उत्सुकता है, एक आतुरता है। उनकी अयोध्या आगमन के लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं? आज से 5-6 वर्ष पहले यह कल्पना थी कि अयोध्या के अंदर भी 4 लेन की कनेक्टिविटी होगी, अयोध्या रेलवे लाइन की दोहरीकरण कार्य से जुड़ेगा, अयोध्या में पवित्र सरयू नदी में क्रूज सेवा प्रारंभ होगी, और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, यह आज से 5-6 वर्ष पहले एक कल्पना थी, लेकिन आज यह एक हकीकत है कि अयोध्या में सभी प्रकार की सुविधाएं अयोध्या वासियों को उपलब्ध हो रही हैं। और ये जो कुछ भी हम वहां करने में सफल हुए हैं, या जो कुछ भी आज अयोध्या में प्राप्त हो रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व, डबल इंजन सरकार के द्वारा समय पे और तेजी के साथ निर्णय लेने की सामर्थ्य,
और स्थानीय जनप्रतिनिधि, मैं श्री लल्लू सिंह जी जैसे योग्य और लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों की सक्रियता इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सहायक रही है। अयोध्या आने वाले समय में देश और दुनिया का टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए सबसे प्रमुख सिटी होने जा रही है। अयोध्या वैसे भी स्थानीय श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन देश के अंदर जिस प्रकार की आतुरता है,